الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ناظرين اكرام قرآن اینڈ سائنس سیریز کے تحت آج جو سبجیکٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے بوٹنی تھیم ہے پلانٹس ری پروڈکشن یعنی جس طرح انسانوں سے انسانوں کا بچہ جنم لیتا ہے اسی طرح پودوں سے پودا جنم لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پلانٹس ری پروڈکشن ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے پارٹس آف اے فلاور چونکہ پلانٹس کا ری پروڈکشن फ्लावर के जरिए से होता है इसलिए हम फ्लावर के मेन पार्ट्स पर फोकस करेंगे और फ्लावर के पार्ट्स में दो जेंडर्स होते हैं एक मेल और एक फीमेल उसकी तफसील समझाते हुए हम पोलिनेशन प्रोसेस बताएंगे जिसके जरिए से एक फ्लावर फर्टिलाइज होता है पोलिनेशन बेसिकली दो किस्म का होता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन और पोलिनेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं यानी पोलिनेशन प्रोसेस में मदद कौन करता है और फिर व्यूज ऑफ कुरान देखेंगे इन टॉपिक्स पर कि कुरान क्या कहता है आखिर में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड से करेंगे टू जेंडर्स इन अ फ्लावर फूल के मरकज पर अगर आप गौर करें बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट है वो फीमेल होता है इसके अंदर ओवरी रहती है और अतराफ जो फिलेमेंट्स नजर आ रहे हैं वो मेल पार्ट कहलाते हैं यहाँ देखें राइट पर एनिमेशन सेंटर पर जो है वो फीमेल पार्ट है और अतराफ में जो फिलेमेंट्स हैं वो मेल पार्ट है मजीद तफसील देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की ताकि आगे का एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन यानी राइट पर जो फिलेमेंट हमको नजर आया अभी वो दरअसल अपने ऊपर एक और पार्ट रखता है जिसको एंथर कहते हैं एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमन बनते हैं जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है उस तरह से सेंटर पे जो ओवरी है उसके ऊपर स्टाइल होता है और सबसे ऊपर जो पार्ट है वो स्टिग्मा कहलाता है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर जो ब्लू कलर का पार्ट बना है वो पिस्टल कहलाता है ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो मेल पार्ट है एंथर नाम का उस पर होते हैं पोलन्स यानी बारीक जर्रात होते हैं ये जर्रात अगर स्टिग्मा पर पहुंच जाएं तो वहां से वो ओवरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और फ्लावर फर्टिलाइज होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन यानी ये फ्लावर में मेल पार्ट के ऊपरी हिस्से में जो बारीक जर्रात होते हैं जिनको अभी हमने पोलन ग्रेन्स का नाम दिया या पोलन का नाम दिया वो किसी तरह से फीमेल पार्ट पर आते हैं यानी स्टिग्मा पर आते हैं और फिर वहां से रास्ता बनाते हुए वो ओवरी तक पहुंचते हैं जिसके अंदर एक ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर एक सीड बनता है और ये निचला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फ्रूट की शक्ल ले लेता है पोलिनेशन दो किस्म का होता है एक सेल्फ पोलिनेशन है और एक क्रॉस पोलिनेशन है देखें सेल्फ पोलिनेशन में ओमन एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं या तो लाने वाले बटरफ्लाइज होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं या कोई और पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इसकी तफसील हम आगे देखेंगे बहरहाल यहाँ फोकस करते हैं सेल्फ पोलिनेशन पर फूल में जो एंथर्स हैं यानी जो मेल पार्ट्स हैं उनके सरों पर पोलन ग्रेन्स हैं ओमन कीड़े मकोड़ों के लिए या बटरफ्लाइज और हनीबीज के लिए पोलन फूड का काम देते हैं और उसके अलावा फूल के बीच में अंदरून हिस्से में नेक्टर होता है और ये भी हनीबीज और बटरफ्लाइज वगैरह के लिए फूड का काम देता है तो फूड की तलाश में जब कोई कीड़ा यानी हनीबी या बटरफ्लाई वगैरह एंथर पर बैठते हैं तो उनके पैरों पर पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं फिर वो नेक्टर को हासिल करने के लिए पिस्टल के ऊपरी हिस्से में बैठते हैं जो स्टिग्मा कहलाता है और यहाँ पर वो पोलन ग्रेन टच करते हैं और अपने लिए रास्ता बनाकर एक ट्यूब बनाकर वो सेंटर यानी ओवरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन चूंकि एक ही फूल के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं ये देखें इसको कहते हैं प्लांट साइकिल यहाँ पर फ्लावर है उसके सेंटर पर ओवरी होती है जिसमें ओव्यूल होता है ये ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो फ्रूट फॉर्म होता है आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट पकता है और फ्रूट के अंदर सीड्स फॉर्म्ड हैं ये सीड को जब हम जमीन में बोते हैं तो इससे मुल्का उगता है छोटा सा पौधा उगता है जड़ें फूटती हैं ये पौधा जब बड़ा होने लगता है तो फिर इसमें फ्लावर आता है ये फ्लावर जब फर्टिलाइज होता है तो फिर से ओवरी के अंदर का ओव्यूल फर्टिलाइज होता है फ्रूट फॉर्म करता है और ये साइकिल मुसलसल इकोसिस्टम में चलता रहता है इसको कहते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन यहाँ देखें हर फ्लावर जब फर्टिलाइज होता है तो फ्रूट बनता है ऊपर फ्लावर्स हैं नीचे उनके रेस्पेक्टिव फ्रूट्स हैं अब देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट जो होता है चाहे हनी बी हो बटरफ्लाई हो या कोई और हो वो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उठाता है
और सफर करता हुआ दूसरे फ्लावर तक जाता है और उसके फीमेल पार्ट पर बैठ जाता है और उसका फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज होता है। यानी एक का पोलन ग्रेन होता है, एक का मेल पार्ट होता है, जिससे दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट फर्टिलाइज होता है। इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। देखें, बटरफ्लाई एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उठा रही है और उसको दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचा रही है। देखते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हैं। यानी पोलन ग्रेन को उठाकर फीमेल पार्ट तक पहुंचाना और ओव्यूस को फर्टिलाइज होने में मदद देने का काम कौन से एजेंट्स करते हैं। एजेंट दो किस्म के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में विंड भी होती है, यानी हवाएं, पानी का बहाव भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। बायोटिक एजेंट्स में बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड स्लग्स वगैरह हो सकते हैं। स्लग्स भी स्नेल के जैसे ही कीड़े होते हैं। यहाँ पर बताया गया पोलिनेटिंग एजेंट्स के कुछ वीडियो क्लिप्स। टॉप लेफ्ट पे हनी भी है जो पोलिनेट कर रही है फ्लावर को, बॉटम लेफ्ट पर कोई दूसरा कीड़ा है, ऊपर राइट पर हमिंग बर्ड है जो पोलिनेशन में मदद दे रही है, बॉटम राइट पर बटरफ्लाइज हैं जो फ्लावर्स को पोलिनेट कर रहे हैं अपनी गिजा की तलाश में। पोलिनेटिंग विंड्स भी होते हैं, जैसा यहाँ पर वीडियो क्लिप में बताया गया कि पोलन ग्रेन को वो उड़ाकर फीमेल पार्ट्स तक पहुंचाते हैं फ्लावर के। अब देखते हैं कुरान इसके सिलसिले में क्या कहता है। और प्रोड्यूसेस एवरीथिंग इन पेयर्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें सूरह यासीन की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़्वाजा कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। वो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। अल्लाह ताला इस आयत में तीन बातें फरमा रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने जोड़े बनाए, अव्वल तो जमीन की नबातात में, यानी जितने भी बोटैनिक्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो कुछ जमीन से उगता है वो तमाम में अल्लाह ने जोड़े बनाए। बॉटनी को उर्दू में नबातात कहते हैं, तो बॉटनी से रिलेटेड जितनी भी ग्रोथ होती है जमीन पर तमाम में जोड़े हैं, ये फरमाया गया है। और दूसरे, अल्लाह ने इंसानों में भी जोड़े बनाए और हर वो चीज में जोड़े बनाए जिनका इल्म अभी इंसान को नहीं। ग्लोरी टू अल्लाह हु क्रिएटेड इन पेयर्स ऑल थिंग्स दैट द अर्थ प्रोड्यूसेस एज वेल एज देयर ओन ह्यूमन काइंड एंड अदर थिंग्स ऑफ विच दे हैव नो नॉलेज। यहाँ देखिए, यह आयत हमारा फोकस है आज के इस वीडियो का, ये है सूरह रात की आयत नंबर 3। फरमाते हैं अल्लाह ताला, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा वजअला फीहा रवासिया वनहारा वमिन कुल्लि समावाति जअला फीहा ज़ौजैन इस्नैन युक्षिल लैलन नहार इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून। और उसी ने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया बनाए और जमीन में हर एक फल यानी फूल में दो किस्म नर व मादा बनाया, दिन को रात से छुपा देता है, बेशक उसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। जो फ्रेज फोकस करना है उसको मैंने अंडरलाइन किया है अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में भी। और मिन कुल्ली समावाती जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैन, एक बात याद रखें, समरात अल्लाह ताला फ्रूट्स को भी कहते हैं और फ्लावर्स को भी कहते हैं, ये बात हम आगे चल के बताएंगे, साबित करेंगे। यहाँ बहरहाल अंडरलाइन फ्रेज को देखें, हर एक फल या फूल में दो किस्म नर व मादा बनाया, यानी क्लैरिटी से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर फ्लावर में नर भी है मादा भी है। एंड ही इट इज हु स्प्रेड आउट द अर्थ एंड प्लेस देयर इन फोम हिल्स एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स and of all fruits or flowers he made therein two spouses male and female। अब हम ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान से ही कि अल्लाह ताला ने समरात के माने फ्रूट्स के भी लिए हैं, समरात के माने फ्लावर्स के भी लिए हैं। अल्लाह ने फ्रूट्स को भी समरात कहा है और फ्लावर्स को भी समरात कहा है। पहले सूरह बकरा की आयत पर फोकस करते हैं, आयत नंबर 22 है ये, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा फिराशं व समाअ बिनाअं व अनज़ला मिनस समाई माअ फअख़रज बिही मिनस समरातिर रिज़्क़न लकुम। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसा कर तुम्हारे खाने के लिए अनवा व अकसाम के मेवे पैदा किए। यहाँ पर समरात का ट्रांसलेशन कई किस्म के मेवों से किया गया है। देखें, हु हैज मेड द अर्थ योर कोच एंड द हेवंस योर कैनोपी एंड सेंड डाउन रेन फ्रॉम द हेवंस एंड ब्रॉट फोर्थ देयर विद फ्रूट्स फॉर योर सस्टेनेंस। यानी हम जो फ्रूट्स खाते हैं मेवा, वो भी फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन से ही है। जो अनाज खाते हैं वो भी फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन से ही है। और जो तरकारियां खाते हैं, टमाटे, भिंडी वगैरह, ये भी फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन से ही है। तो ये तमाम चीजों को अल्लाह ताला इन शॉर्ट समरात कहते हैं। समरात कैन ऑल्सो मीन फ्लावर्स। इन दो आयतों पर फोकस करेंगे हम जो शहद की मक्खी के सिलसिले में है सूरह नहल में, इसमें अल्लाह ताला फ्लावर्स
को स्पेसिफाई करने के लिए लफ्ज समरात ही इस्तेमाल करते हैं। وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ। और आपके रब ने शहद की मक्खी के जी में ये बात डाली कि तू पहाड़ों में घर बना ले और दरख्तों में भी और जो लोग इमारतें बनाते हैं उनमें भी, फिर हर किस्म के फलों या फूलों से चूसती। फिर हम तमाम जानते हैं कि हनी भी फ्रूट्स नहीं खाती, न ही फ्रूट्स चूसती है। हम तमाम जानते हैं कि हनी भी का मेन फूड फ्लावर्स का नेक्टर होता है और अल्लाह ताला ने ही उसको तालीम दी कि वो फ्लावर से उनका नेक्टर हासिल करे। नेक्टर के अलावा इसका फूड पोलन ग्रेन्स भी होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स नेक्टर की तरह फ्लावर्स में ही होते हैं, ना कि फ्रूट्स में। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि समरात फ्लावर्स को भी कहते हैं। अब आते हैं हम सूरह रात के आयत नंबर 3 पर वापस, जो हमारा फोकस है इस वीडियो का, और सिर्फ उसी फ्रेज को मैंने फोकस किया है जिसमें ये जिक्र आया है कि अल्लाह ने फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट्स बनाए हैं। देखिये वमिन कुल्लि समावाति जअला फीहा ज़ौजैन इस्नैन, वमिन के माने हैं और से, एंड फ्रॉम, कुल्ली हर एक, एवरी, असमावाति फूल। अब हम यहाँ फल के माने नहीं ले रहे हैं बल्कि फूल ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी साबित कर चुके हैं कि समरात के माने फूल के भी होते हैं। सूरह नहल की आयत से ये बात साबित हो चुकी, प्लूरल है ये तो हम फ्लावर्स कहेंगे। जाला याने बनाया, मेड, फीहा उनमें, देर इन फ्लावर्स के अंदर अल्लाह ने बनाया, ज़ौजैन जोड़े यानी उनके पार्ट्स को जोड़ों की शक्ल में बनाया, स्पाउसेस, इस्नैन दो को कहते हैं यानी नर और मादा की तरफ इशारा हो रहा है, टू पार्ट्स स्पेशली अल्लाह ने बनाया, एक पार्ट मेल है फ्लावर में और एक पार्ट फीमेल है। ये तमाम वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो ट्रांसलेशन होगा, एंड फ्रॉम एवरी फ्लावर मेड देयर इन टू स्पाउसेस मेल एंड फीमेल, और हर फूल में जोड़े बनाए दो यानी हर फूल के पार्ट्स में दो जेंडर्स बनाए हैं, एक नर है और एक मादा है। और मजीद हम ये भी बताएंगे ज़ौजैन इस्नैन यानी टू स्पाउसेस मेल एंड फीमेल ही है, ये बात हम मजीद साबित करते हैं कुरान की आयत नंबर 40 सूरा नंबर 11 से। देखें इस आयत को, ये नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफारत तन्नूरु कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन, यहाँ तक के जब हमारा हुक्म यानी अजाब के करीब आ पहुंचा और जमीन में से पानी उबलना शुरू हुआ, हमने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हर किस्म के जानवरों में से एक एक नर और एक एक मादा यानी दो अदद इस कश्ती में चढ़ा लो। यानी ज़ौजैन इस्नैन ये दो अल्फाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर दो किस्म से मुराद नर और मादा ही हैं। एक और बात देखते हैं, पोलिनेटिंग विंड्स का भी कुरान में जिक्र आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअरसलना रियाहा लवाकिया फअंज़लना मिनस समाई माअ फअस्क़ैनाकुमूहु वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन, एंड वी सेंड द विंड्स फर्टिलाइजिंग, यानी हमने अभी ऊपर देखा कि पोलिनेटिंग एजेंट्स में विंड्स भी हो सकते हैं, हवाएं भी हो सकती हैं, उनका जिक्र इस आयत में आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एंड वी सेंड द विंड्स फर्टिलाइजिंग यानी हवाएं भी फर्टिलाइज करने वाली होती हैं यानी फ्लावर्स को फर्टिलाइज करती हैं। देन कॉज द वाटर रेन टू डिसेंड फ्रॉम द स्काई एंड वी गेव इट टू यू टू ड्रिंक एंड इट इज नॉट यू हु आर द ओनर्स ऑफ इट्स स्टोर्स। फोकस हमको ये करना है वर्सलना रियाहा लवाकिहा पे, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने फर्टिलाइजिंग विंड्स भेजे हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ तर्जुमे हमको मिलते हैं उर्दू जबान में, लेकिन एक तर्जुमा और एक तशरी और तफसीर ये भी है कि यहाँ पर रियाहा लवाकिहा से मुराद फर्टिलाइजिंग विंड्स हैं। देखें तशरीह कलिमात, लवाकिहा का रूट वर्ड है लाम काफ हा से, लखहतिन नाखतु के माने ऊंटनी के हामिल होने के हैं। इसी तरह दरख्त के फलदार होने पर भी ये लफ्ज बोला जाता है यानी फ्लावर के फर्टिलाइज होने को भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लवाकिहा लाखे की जमा है, बारावर करने वाला यानी फ्लावर्स को फर्टिलाइज करने वाले विंड्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये एक पॉसिबल ट्रांसलेशन है। तफसीर देखें, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हवाएं नबातात की बार आवारी का जरिया और लिखा का लफ्ज बार आवारी के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी ये पॉसिबल है कि ये हवाओं का जो जिक्र हो रहा है ये फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन के लिए हो रहा है, चूंकि लफ्ज लिखा फर्टिलाइजेशन के मानों में भी इस्तेमाल होता है। द फाइनल वर्ड وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, और कह दो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तुम्हें अनकरीब अपनी निशानियाँ दिखा देगा फिर तुम उन्हें पहचान लोगे और तेरा रब उससे बेखबर नहीं
जो तुम करते हो. एंड से प्रेज बी टू अल्लाह हु विल शो यू हिज पोर्टेंट सो दैट यू शैल नो देम एंड दाई लॉर्ड इज नॉट अनअवेयर ऑफ व्हाट यू डू. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब वो अपनी निशानियां दिखा देगा, तो उन्हें पहचान लोगे, यानी अल्लाह की निशानियों की हैसियत से उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि निशानियों का जिक्र आज से 1500 बरस पहले ही कुरान में आ चुका है. जब हमारे अतराफ अकनाफ में निशानियों को हम देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम समझ लेंगे कि बेशक कुरान अल्लाह का कलाम है, यह हक है, और अल्लाह वाहिद की तरफ सारे बंदों को बुलाता है. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.